हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में भी हम अपने वेरिएबल्स के ही टॉपिक को भी कंटिन्यू करेंगे फॉर द लर्निंग। तो अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज असाइन करेंगे वेरिएबल्स को। कि कहने का मतलब है कि जैसे कि आप एट अ टाइम 3 से 4 वेरिएबल को सेम वैल्यू असाइन कर सकते हो या फिर डिफरेंट वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। तो यानी जो टॉपिक बन जाएगा वो ये बन जाएगा कि असाइन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, कि कैसे आप असाइन कर सकते हो वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ जो टॉपिक हम यहाँ पे लर्न करेंगे। एंड देन इन सभी को मैं एक्चुअली मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मेक श्योर आपने अपने नोट्स बना लिए हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे का सारा जो बाकी का कोड है मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सो अब यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्रेशली है, अब इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक कमेंट है, असाइन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने यहाँ पे ए वेरिएबल डिफाइन किया, देन आपने कॉमा यहाँ पे आप यूज कर सकते हो ऑपरेटर, देन बी, देन अगेन आप यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर यूज करोगे, देन सी। ओके, तो आप इस तरीके से यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, इनको इकट्ठे वैल्यू असाइन कर सकते हो। लाइक जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ ए को वैल्यू, अगर मैं असाइन करूँ लाइक एप्पल, तो अगर मैं इसको एप्पल इनिशियलाइज कर देता हूँ, ओके, एंड देन अगेन मेरे को अगर बी को वैल्यू असाइन करनी है तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ लाइक बनाना, ओके, एंड देन अगर मेरे को वैल्यू असाइन करनी है हमारे सी को तो हम इसे कर देते हैं कैरोट, ओके। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज असाइन कर दी। अब हमें इन तीनों को प्रिंट करना है, तो प्रिंट मैं यहाँ पे यूज करता हूँ लाइक प्रिंट। तो ए कोमा बी कोमा सी अगर आप करोगे तो आप तीनों के तीनों वैल्यूज को एक साथ प्रिंट कर सकते हो। तो अगर आपको इनके बीच में स्पेसिंग डालनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे करना क्या, आपको कंकेटिनेशन यूज करना होगा। तो कहने का मतलब ये कि आपको यहाँ पे प्लस यूज करना पड़ेगा, देन यहाँ पे जो ये ऑपरेटर इसको हटाना पड़ेगा, ओके, देन कोमा अगर आपको फिर से यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से भी फॉर्मेट कर सकते हैं, कंकेटिनेशन कर सकते हैं वेरिएबल्स की वैल्यूज को, यहाँ पे स्पेस और देन यहाँ पे भी स्पेस, ओके, और देन फाइनली यहाँ पे भी हमारे को स्पेस डालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से भी हम वैल्यूज को इकट्ठे प्रिंट कर सकते हैं। और एक और तरीका है जो मैंने अभी आपको पहले बताया था प्रिंट करने का, ए कोमा बी कोमा सी। तो ये भी एक कोड है जो हम यूज कर सकते हैं प्रिंटिंग। तो चलिए अब हम दोनों तरीके से प्रिंट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो एप्पल बनाना कैरोट हमारे यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गई है, जैसे हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की थी। ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पेसिंग भी मेंटेन हो गई। तो इससे हुआ क्या कि हमने एक ही लाइन के अंदर तीनों वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर। तो गाइस अब आप इस चीज को डिफरेंट तरीके से भी अचीव कर सकते हो। अगर मैं इस वाली लाइन को यहाँ से हटा दूं, तो अगर आपको मैं यहाँ पे सेम वेरिएबल नेम नहीं यूज करूंगा, मैं यहाँ पे A1 यूज करूंगा। A1 इज इक्वल टू अगर मैं करूँ यहाँ पे लाइक एप्पल, तो यहाँ पे मैं अगर एप्पल करता हूँ देन मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ फॉर द सेविंग ऑफ टाइम। तो यहाँ पे A1 की जगह मैं कर देता हूँ लाइक B1 और ये हो जाएगा हमारा C1। तो ये वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइक बनाना, उसके आगे भी 1 लगा देता हूँ ताकि आपको इजीली डिफरेंशिएशन पता चल सके। तो यहाँ पे भी कर दिया कैरोट 1। अब मैं फिर से यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट का यूज करूंगा और यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 कर दूंगा और यहाँ पे भी 1। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एप्पल 1, बनाना 1, कैरेट 1। तो सेम ही चीज को हमने अचीव किया है। हमने यहाँ पे किया क्या है गाइस कि हमने यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को असाइन किया था और यहाँ पे हमने 3 अलग अलग में किया। अब ये सेम ही कॉन्सेप्ट एक तरीके का, अगर यहाँ से हम 1 हटा देते हैं तो वेरिएबल्स हमारे री इनिशलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ से A1, B1 और C1 हटा देते हैं, दोबारा से रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वेरिएबल्स की वैल्यू जो है री इनिशलाइज किया। तो यानी आप वेरिएबल्स को री इनिशलाइज कर सकते हो। यहाँ पे हमने एक ही लाइन में तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को असाइन कर दिया था और यहाँ पे हमने क्या किया, अलग अलग लाइन के अंदर हर वेरिएबल की वैल्यू को असाइन किया। तो ये जो वे है ये काफी ज्यादा फास्ट है। अब मैं आपको ये इसलिए सिखा रहा हूँ, हो सकता है आप इंटरनेट पे जब रिसर्च करोगे सोर्स कोड की फॉर सम न्यू टॉपिक्स, तो वहां पे हो सकता है कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं ज्यादातर डिफिकल्ट चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो अपनी प्रोग्राम को डिफिकल्ट बनाते हैं ताकि वो दूसरे लोगों को इजिली समझ में ना आ सके और प्रोग्रामर ही समझ सके। सो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। हो सकता है कि किसी ने कुछ प्रोग्राम बना रखा, उसने एक ही लाइन में 15 से 16 वेरिएबल्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया हो और देन उनको वो प्रिंट कर रहा हो या उनके अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके प्रिंट कर रहा हो। सो दैट इज द रीजन मैंने आपको यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट सिखाया है। अब इसी का एक डिफरेंट वेरिएशन और भी है, आप इन तीनों वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस अब एक डिफरेंट अप्रोच जो है जो कि आप सेम वैल्यू असाइन कर सकते हो सभी के सभी वेरिएबल्स को, तो उसको अब हम यहाँ पे यूज करते हैं। लाइक ए इक्वल टू हम यहाँ पे करते हैं बी, देन बी को इक्वल करते हैं हम सी के इक्वल, एंड देन सी इज इक्वल टू अ वैल्यू दैट वी वांट टू इनिशियलाइज, की जो वैल्यू आप इनिशियलाइज करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं 1 वैल्यू इज इनिशियलाइज्ड यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। तो मैंने यहाँ पे ये यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया जो मैं एक्चुअली में यूज करना चाहता था। एंड अगेन अब यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो इसे रन करता हूँ, जहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों ही जो वेरिएबल्स है हमारे ए बी सी, वो यहाँ पे 1 वैल्यू इनिशियलाइज, 1 वैल्यू इनिशियलाइज और 1 वैल्यू इनिशियलाइज 3 बार यहाँ पे प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर तीनों वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन किए थे।
एंड नाउ गाइस यहाँ पे ये हुआ क्या, एक्चुअली सबसे पहले जो वन वैल्यू वेरिएबल जो है, मींस जो टेक्स्ट है, जितना सारा जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं और टेक्स्ट भी बोल देते हैं, बट यहाँ पे मोस्टली प्रोग्रामिंग में हम उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आई आएगा इनिशियलाइज, 12 से रन करते हैं एंड देन प्रॉपर यहाँ पे आगे वैल्यू। तो सबसे पहले जो हमारा स्ट्रिंग है ये एक्चुअली में सी वेरिएबल को इनिशियलाइज हुआ, देन जो वैल्यू है सी वेरिएबल की वो एक्चुअली में बी वेरिएबल को इनिशियलाइज होगी, एंड देन जो बी वेरिएबल की वैल्यू है वो ए वेरिएबल को इनिशियलाइज होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। यानी आपने इस वीडियो में क्या सीखा, आपने सीखा कि कैसे आप सेम वैल्यू असाइन कर सकते हो मल्टीपल वेरिएबल्स को। तो ये वो वाला टॉपिक था, असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या असाइन दी सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, और यहाँ पे हमने क्या क्या असाइन वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी मल्टीपल वेरिएबल्स को आप कैसे वैल्यू असाइन कर सकते हो इन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। यहाँ पर सिंगल लाइन में हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है अलग अलग वैल्यूज, और यहाँ पे हमने क्या किया कि सेम वैल्यू इनिशियलाइज कर दी सभी वेरिएबल्स को। तो दोनों ही कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो मैंने आपको दो टॉपिक कवर करके दिखाए हैं। पहले हमने देखा कि कैसे हम डिफरेंट वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं एक सिंगल लाइन में और मल्टीपल वेरिएबल्स को, देन यहाँ पे हमने क्या किया मल्टीपल वेरिएबल्स को हमने सेम वैल्यू इनिशियलाइज कराया के प्रिंट किया है हमारे पाइथन के कंसोल में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन दबा लेना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।